तीन तरह की पार्टियां हैं हमारे यहाँ, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी और एक मध्य मार्गी। ये तीनों तरह की पार्टियां समय समय पर सत्ता में आ चुकी और सबके सामने हमने और हमारे पूर्वजों ने ये अनुरोध किया कि आप ये काम कर दीजिए, लेकिन 78 साल के लंबे समय में कोई भी नेता जो साहस नहीं कर सका, वो साहस आपके प्रदेश के इस समय के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया। कोई खर्चा नहीं किया और न करने की जरूरत है, लेकिन मां को मां कहकर के बुला देना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये तो कम से कम उस व्यक्ति ने करके दिखाया। उसके कहने के पहले कोई हिम्मत नहीं कर पाया और अब उसके कर देने के बाद कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। हिंदू के पक्ष में खड़े होने में इस देश के नेताओं को शर्म आती है, संकोच होता है, यही सबसे बड़ी समस्या है और कोई समस्या नहीं। हिंदू बात कहना कठिन हो जाता है, संविधान का दुहाई देते हैं, संविधान की बार बार दुहाई देने पर हमने संविधान उठाया। पहले धर्म ग्रंथ पढ़े थे, धर्म ग्रंथ पढ़ने से गौ माता के प्रति मन में भक्ति जागी थी, फिर हमने संविधान उठाया, संविधान पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि भारत को जब संविधान है, आप लोग भी पढ़िए, आपको गलत ढंग से व्याख्या करके परगलाया गया है। भारत के संविधान में कहीं निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्षता शब्द है, वो भी मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान स्वीकृत हो जाने के बाद 20, 22, 25 साल बीत जाने के बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी, तब उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान रखिए, भारत के संविधान में नहीं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, उसमें उन्होंने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा है। किसी भी किताब में जो प्रस्तावना होती है वो किताब का अंग नहीं होती है, वो किताब में होती जरूर है लेकिन वो किताब का अंग नहीं मानी जाती है। इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में अगर कोई चीज है और अगर वो अंदर किताब में, संविधान में नहीं है, तो ऐसी प्रस्तावना किसी काम की नहीं है, उसको उसका अंग नहीं माना जा सकता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रवेश करा करके, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, आपको कहा जाता है कि आपका जो संविधान है वो सेकुलर है। सेकुलर नहीं है हमारा संविधान, हमारे संविधान की धारा 25 हमको बिना किसी शर्त के पूरी तरह से अपने धर्म के पालन की आजादी देता है। हमारा संविधान कोई रुकावट नहीं है, कोई हिपवट नहीं है। धारा 25 उससे लगी हुई 26, 27, 28 पढ़ लीजिए, आपको आपके धर्म के पालन का पूर्ण अधिकार आपका संविधान देता है। तो ये कहते हैं कि संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, संविधान ने तुम्हारे हाथ नहीं बांध रखे हैं, तुम संविधान की ओट में किसी और का एजेंडा चला रहे हो। ये बात अब हमारे सामने साफ हो चुकी है। बंधुओं, गाय के संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है, भारत के संविधान की धारा 48 पढ़िए, वो कहता है कि भारत गौ वंश का संवर्धन करेगा। ये भारत का संविधान कह रहा है कि भारत गौ वंश का संवर्धन करेगा। अब हमको बता दीजिए, कोई भी यहां पर विद्वान बैठे हो, कि किसी को काट काट करके उसके मांस को एक्सपोर्ट करने से, उसके मांस को पका पका करके खाने से उसका संविधान संवर्धन कैसे होता है? हो सकता है? अगर गौवंश का संवर्धन करने के लिए हमारा भारत संविधान कहता है
तो भारत में गाय को काट करके उसके मांस को बेचा कैसे जा सकता है और खाया कैसे जा सकता है? क्या ऐसा करने से संवर्धन हो सकेगा? तो ये संविधान विरुद्ध बात है कि संविधान के अनुरूप बात है? सीधी सी बात, लेकिन संविधान दिखाया जाता है कि संविधान कहता है बंधुओं हम आपको भारत का जो राज चिन्ह है वो दिखाना चाहते हैं, हम लेके आए, क्योंकि ये समझना आज भारत के नागरिकों के लिए बड़ी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये हमारे हाथ में जो चिन्ह है ये भारत का राज चिन्ह है, पूरा नहीं, ये तो पूरा अशोक स्तंभ है यहां तक। ये जैसे हमने पकड़ लिया, पकड़ने से जितना ऊपर बच रहा है इतना भारत का राज चिन्ह है। इसमें चार शेर आपस में एक दूसरे को पीठ लगा करके खड़े हुए हैं। जब ये छापा जाता है कागज में तब एक शेर नहीं दिखता है, तीन दिखते हैं। इसी तीन दिखते हुए शेर के चिन्ह को भारत का राज चिन्ह बनाया गया है। ये उसका चित्र है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भारत का राज चिन्ह है कि नहीं है? भारत का राष्ट्रपति इसी चिन्ह से काम करता है कि किसी दूसरे चिन्ह से? भारत का प्रधानमंत्री, भारत के कितने जितने भी मंत्री हैं, आईएएस पीसीएस जो भी अधिकारी हैं, राज्यपाल सब इसी चिन्ह से काम करते हैं कि किसी और चिन्ह से काम करते हैं? यही है ना। ये तीन शेर दिखाई दे रहे हैं, ये तीन शेर भारत के लोगों की व्याख्या के अनुसार भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के प्रतीक है। यही तीन स्तंभ हैं जिनसे भारत देश चल रहा है, और इन तीनों का आधार क्या है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। ये देखिए, एक चबूतरा है, इसी चबूतरे पर ये शेर खड़े हुए हैं, यही अब आधार हुआ ना। ये जो चबूतरा है ये गोल है और इसमें चार चक्र बने हुए हैं, यही अशोक चक्र कहलाता है जो भारत के तिरंगे के बीच में बनाया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं जो हमारे 24 अक्षर के गायत्री मंत्र के प्रतीक हैं। ये जो आधार है इसमें चक्र के अलावा चार आकृतियां और अंकित हैं। इन चार आकृतियों में से जब ये छापा जाता है तो दो आकृतियां छुप जाती हैं, पीछे दो दिखाई देती हैं। चार आकृतियां कौन कौन सी हैं? एक है हाथी, एक है घोड़ा, एक है सिंह और एक है बैल। ये चार आकृतियां बनी हुई हैं। जब ये छापा जाता है तो दो छिप जाती हैं। तो अब प्रश्न हुआ होगा जब इसको स्वीकार किया गया संसद में कि छाप करके कौन सा पीछे कर दिया जाए, कौन सा आगे रखा जाए, तो जो चार आकृतियां हैं उनमें से दो को पीछे कर दिया गया, सिंह और हाथी को पीछे कर दिया गया, तो सामने दो रह गए। इसका मतलब चार में से दो को महत्वपूर्ण माना। वो दो कौन से हैं? ये देखिए, नीचे यहां पर एक घोड़ा है और यहां पर बैल है, दिखाई दे रहा है? अलग से भी देख लेना, इसको समझ लेने की जरूरत है। तो अब चार में से दो प्रमुख हो गए और दो में से भी जो दाहिने रखा जाता है वो प्रमुख होता है। तो आप देखिए, दाहिने कौन है? बैल है। इसका मतलब है कि भारत के राज चिन्ह में बैल को सबसे प्रमुख माना गया है। माना गया है कि नहीं माना गया है? या हम अपने घर से लाए हैं कि आपके यहाँ संसद से स्वीकृत चिन्ह है, स्वीकृत चिन्ह है? तो बंधुओं अब ये बताइए कि भारत के राज चिन्ह में जिसको अंकित किया गया हो, क्या उसको मार करके, उसको काट काट करके बेचा जा सकता है? नहीं। क्या उससे डॉलर कमाया जा सकता है? नहीं। क्या भारत के राज चिन्ह के किसी एक अंग को इस तरह से अपमानित करने का मतलब भारत के राज चिन्ह का अपमानित होना है कि नहीं है? तो ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली है, जो लोग भारत के इस राज प्रतीक को आधार बना करके आदेश पर आदेश निर्गत करते चले जा रहे हैं, कानून पर कानून बनाते चले जा रहे हैं, वो लोग आखिर इस भारत के राज चिन्ह का पूर्ण सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारा प्रश्न है बंधुओं। हमने बताया चार
आकृतियां हैं, हाथी भी है, घोड़ा भी है, सिंह भी है, बैल भी है। हाथी आपके देश में नहीं मारा जा सकता, शेर आपके देश में नहीं मारा जा सकता, ट्रैकिंग पर है। घोड़ा भी आपके यहां नहीं मारा जा सकता, मृत्यु दंड है। तो फिर केवल बैल मारा जा सकता है, क्योंकि हिंदू उसकी पूजा करते हैं। यह हम हिंदुओं के साथ अन्याय है कि नहीं है, बताइए। भारत के राज चिन्ह में जब चार आकृतियां थी, तीन को आपने संरक्षित किया है, तो चौथे के बारे में आपकी विचारधारा अलग क्यों है? क्या यह हम हिंदुओं के साथ? अब हिंदू का मतलब बहुसंख्यकों के साथ, आप हिंदू शब्द से मत सोचो, क्योंकि आप कहते हो कि हम हिंदू मुसलमान नहीं सोचते, मत सोचो। लेकिन भारत के नागरिक तो सोचते हो, और भारत के नागरिकों में बहुसंख्यक जो नागरिक हैं, उनकी बात सरकारों को माननी पड़ेगी। तो भारत के बहुसंख्यक जो नागरिक हैं, उनकी आस्था का केंद्र जो बैल है और उसकी माता गाय है, उसके प्रति ये निर्मम व्यवहार आप क्यों दिखा रहे हैं? यही हमारा भारत की सरकारों से, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों, चाहे देश की सरकारें हों, उनसे प्रश्न है। गलत प्रश्न है, सुधार दीजिए, और सही प्रश्न है तो उतने ही तेजी के साथ खड़े हो जाइए। यही आपसे कहने के लिए हम आए। माता दी जय।